बच्चे आज जो वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है और वो टॉपिक एक मार्केटिंग मैनेजमेंट है, उस वाले चैप्टर से रिलेटेड है। आज हम उससे संबंधित कुछ बातें यहाँ पर करेंगे। आज हम बात करेंगे मार्केट और मार्केटिंग के बारे में, ठीक है बच्चों। तो अगर मार्केट के बारे में देखें तो क्या लिख रहा है इस स्क्रीन पर आप देखिएगा। ट्रेडिशनली द टर्म मार्केट यूज टू रेफर टू ए प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर मीट टू कंडक्ट प्रोडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। मतलब बोल रहा है कि मार्केट एक जगह है जहां पर बायर एंड सेलर मतलब एक जगह एकुमुलेट होते हैं, मिलते हैं और एक एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं जिसमें वो अपने प्रोडक्ट की सेल और परचेज काम करते हैं। बट नाउ वेडे आज की बात करें द फोकस ऑफ द टर्म मार्केट इज नॉट ऑन द प्लेस रदर इट इज ऑन द मीटिंग ऑफ बायर। एक सिर्फ वो जगह अब नहीं रह गया जहां पर बायर और सेलर मिलेंगे। हु कैन मीट थ्रू टेलीफोन मेल एंड इंटरनेट। अब मिलने का भी जगह नहीं है, आप मेल से इंटरनेट से टेलीफोन से हर वो चीजें जो पॉसिबल एक दूसरे को कनेक्ट करने के लोग उससे भी मिलने लगे हैं। दस नाउ वे डे मार्केट रेफर टू ए ग्रुप ऑफ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल बायर एंड सेलर। आज जो मार्केट जो रेफर कर रहा है, आज का जो मार्केट है उसमें जो सेलर और बायर जो है उनके जो ग्रुप है उनका प्रेजेंट ग्रुप एंड पोटेंशियल ग्रुप है उसमें एक अचीवमेंट आने का क्षमता है। मतलब आज की मार्केट थोड़ी उन मार्केट से हटके है जो आज के हजारों साल पहले या 100-200 साल पहले मार्केट की बात होती थी। हु कैन कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, जो क्या करते हैं बाइंग और सेलिंग खरीदने बेचने के काम को ऑपरेट करते हैं इवन विदाउट मीटिंग एट ए प्लेस, बिना किसी जगह पर मिले हुए बाय टेलीफोन मेल एंड इंटरनेट। पहले वाली बिजनेस थी, पहले वाली मार्केट थी जहां पर लोग क्या करते थे एक दूसरे से मिलते थे, फेस टू फेस मिलते थे और बात करते थे। लेकिन आज का जमाना तो मेल इंटरनेट और टेलीफोन को हो गया। खुद से सोचो ऑनलाइन मार्केट के बारे में, कोई जरूरत नहीं किसी से मिलने का। हमने प्रोडक्ट को ऑनलाइन पोर्टल पे देखा, फिर वहां से प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, रेट वेरीफाई किया, पसंद आया, मैंने ऑर्डर दिया, कुछ दिनों में डोर टू डोर डिलीवरी हो गई। इट मे बी नोटेड दैट नाउ सेलर कैन रीच एनी कस्टमर। आज के समय में सेलर किसी भी कस्टमर तक पहुंच सकता है, एनीवेयर कहीं भी एनी टाइम किसी भी समय। एंड सिमिलर वाई ए कस्टमर कैन रीच एनी सेलर एनीवेयर एनी टाइम। और सेलर भी कहीं पहुंच सकता है और कस्टमर भी कहीं पहुंच सकता है। ये मार्केट है, आज की मार्केट की डेफिनेशन। वो मार्केट नहीं जो लोग जाके एक दूसरे से मिलते थे, आज लोग इंटरनेट से टेलीफोन से मेल से आराम से मिल सकते हैं, कोई रोकटेक नहीं है। और सारी एक्टिविटी जो मार्केट से रिलेटेड है, जो सेलर सेलिंग और बाइंग से रिलेटेड होता है, वो सारे आज भी कंडक्ट हो रहे हैं। आज अपनी भाषा में बोले तो आज का जो मार्केट है वो एडवांस लेवल का मार्केट है। फिर हम कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर्स रेफर टू द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड एंड वांट्स। कस्टमर वो व्यक्ति होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो संस्था हो सकता है, वो जनता या वो आम आदमी हो सकता है जो अपनी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी जरूरत है उनको पूरा करना चाहता है। इट इज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स, मतलब जो अपनी संतुष्टि के लिए अपनी जरूरत को संतुष्ट करना चाहता है। एंड वांट्स दे मूव टू मार्केट टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो मार्केट जाता है और मार्केट से जरूरत की चीजें खरीदता है। कस्टमर आर इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटिकर बिकॉज विदाउट कस्टमर, बोल रही कस्टमर आर इंपॉर्टेंट, कस्टमर इंपॉर्टेंट है फॉर द मार्केटिकर, मतलब जो बिजनेस करने वाला है उसके दृष्टिकोण से। बिकॉज क्योंकि विदाउट कस्टमर देयर कैन नॉट बी एनी मार्केट। बिना भैया मार्केट मैंने कस्टमर का कोई भी बाजार नहीं है। हजारों सेलर है, परचेजर नहीं है, बाजार की कोई वैल्यू नहीं। हजारों परचेजर है, सेलर नहीं, बाजार की कोई वैल्यू नहीं। कस्टमर्स ब्रिंग देयर नीड, कस्टमर अपनी जरूरतें लेके आते हैं, वांट्स टू द मार्केट्स, और वो अपने मार्केट से उसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। आगे लिख रहा है कि द मार्केटियर सक्सेस बाय फुलफिलिंग द सेम, और उनकी वो जो भी फुलफिल होती है, जो उनकी इच्छा होती है उसको पूरा करता है। मार्केटिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट कस्टमर और बायर। मार्केटिंग जो मार्केट से निकला हुआ है, मार्केटिंग जो विपणन कहा जाता है, वो बायर और सेलर के बिना आसान नहीं है। द नीड रेफर टू द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसानों का, एंड फंडामेंटल टू ह्यूमन सर्वाइवल, और जो इंसान को जीने के लिए जरूरत की चीजें हैं एंड एग्जिस्टेंस, और अपनी जिंदगी में आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, कपड़ा चाहिए, रहने को घर चाहिए, भोजन चाहिए। नीड आर नॉट द सेम एज वांट्स, मतलब बोल रहे हैं कि जैसी इच्छाएं हैं, नीड्स आर नॉट द सेम एज वांट, इच्छा जो होती है जरूरत के हिसाब से नहीं होता है, दोनों थोड़ा सा अंतर है। नीड्स गिव राइज टू वांट्स, जो नीड्स है जरूरत है वो जन्म देता है इच्छा को, चाहना, वांट्स चाहना। नीड्स आर बेसिक एंड जनरल वेयर एज, बोल रहा है कि नीड्स जो है एंड बेसिक एंड जनरल वेयर एज, वांट्स ट्रेंड एज वांट। क्या लिखा सर यहाँ पर देखिएगा कि नीड्स एंड बेसिक एंड जनरल वेयर एज, वांट्स टेंड टू बी सेटिस्फाइड स्पेसिफिकली, मतलब बोल रहा है कि
जरूरत जो होती है वो आम इंसान का साधारण होता है, बेसिक होता है, और वो जो इच्छा होती है उसके द्वारा उसको पूरा किया जाता है। लिख रहा है कि नीड्स गिव रिस राइज टू वांट्स, जो ये नीड है वो पैदा करता है, किसको पैदा करता है, सीधी से भाषा में बोले बच्चों तो इच्छा को पैदा करता है। जब जरूरतें होगी तभी आपके दिल में इच्छा करेगा कि हमारे पास एक मोबाइल होना चाहिए, हमारे पास एक गाड़ी होना चाहिए, हमारे पास एक घर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन में फील नीड फॉर फूड, मान लो कोई बंदा की जरूरत है भोजन के लिए, बट वेन ही डिजायर डोसा और हैमबर्गर हिज नीड बिकम एज वांट, मान लो कि उसके भूख लगा, वो फील करता है उसे जरूरत है, उसको भूख लगी, वो उसकी जरूरत है, उसको फील हो रहा है, लेकिन वो खाने में क्या डिमांड कर रहा है भाई, उसे डोसा चाहिए, हैमबर्गर चाहिए, तो इच्छा होती है। उसी तरह कस्टमर क्या होता है, कस्टमर वो बंदा होता है जिसको जरूरत होती है, कुछ नीड्स होती है, और उस नीड्स के बाद उसकी इच्छाएं पैदा होती हैं कि हमें जो जरूरत को पूरा करना है वो कौन कौन वेराइटी से पूरा होगा, और वो बंदा उस मतलब पर्टिकुलर चीज को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए मार्केट जाता, प्रोडक्ट खरीदता है। ये हमारे लिए क्या सर, कस्टमर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर अगर थोड़ा सा ऊपर करके देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए साउथ इंडियन नीड्स फूड बट मे वांट डोसा, ए बंगाली में वेंट राइस एंड फिश करी, एंड नॉर्थ इंडियन में भी छोले भटूरे, मतलब अलग अलग लोगों की नीड्स हैं। नीड्स तो है कि पेट भरना है, भूख लगी है, भोजन चाहिए, पेट में कुछ चाहिए, लेकिन वो जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग ढंग की है, अलग अलग चीज का डिमांड कर रहा है। तो बच्चे ये क्या है, हम कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला हो गया मार्केट कस्टमर, अब बात करते हैं मार्केटर, मार्केटर या सेलर के बारे में। बोल रहा है कि द सेलर रेफर टू ए पर्सन हु मेक प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल एंड ऑफर्स देम टू द कस्टमर विथ एन इंटेंशन टू सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। बोल रहा है कि सेलर वो बंदा होता है जो प्रोडक्ट परचेज करके लाता है और उस प्रोडक्ट को लोगों को बेचता है, आम पब्लिक को बेचता है, कस्टमर को बेचता है, और उनके जो सेटिस्फेक्शन होते हैं, उनके जो वांट्स होते हैं, वो उनको पूरा करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेलर। इफ कस्टमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फेक्शन, द मार्केटर इज द डिलीवर एंड प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कस्टमर जो है वो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, और जो सेलर है वो संतुष्टि को प्रोवाइड करता है। इन द नॉर्मल यूज द प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विस कॉल्ड सेलर, जो सामान या गुड्स किसी को प्रोवाइड कराता है उसे सेलर बोलते हैं। द सेलर और मार्केटर्स ऑफर ए वेराइटी ऑफ एंटिटीज टू कस्टमर, वो जो सेलर होते हैं अलग अलग एंटिटीज में आते हैं, अलग अलग वेराइटी में बिजनेस डील करते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, और वो कस्टमर को अटैच करते हैं। देयर कैन बी गुड्स सेलर और सर्विस सेलर, मतलब बोल रहा है कि वो या तो गुड्स प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, या तो बोले तो क्या प्रोवाइड कराएंगे बच्चे, वो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक देखा कि भाई मार्केट क्या है, मार्केट वो प्लेस है जहाँ लोग मिलते हैं, एक दूसरे को बिजनेस डील करते हैं। अब वो एक वो ऐसा प्लेस नहीं रहा कि लोग एक दूसरे जाके मिलेंगे, अब तो फोन से, टेलीफोन से, मेल से, बिना फेस टू फेस देखे भी बिजनेस डील हो जाता है। कस्टमर वो होता है जिसे कुछ इच्छाएं होती है और इच्छा पूरा करने के लिए मार्केट में जाता है, रोज जाकर प्रोडक्ट खरीदता है। और सेलर कौन होता है, अगर सेलर के बारे में बात करें तो सेलर वो बंदा होता है जो सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता है या गुड्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये पहला, ये तीन चीजें हो गई, हमें इन बेसिक चीजों को जानना था, मार्केट क्या है, फिर कस्टमर क्या है, और सेलर क्या है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बात करते हैं, चलिए अब हम मार्केटिंग की बात करेंगे। पहला बात हो गया किसका, मार्केट का। मार्केट समझ में आ गया बच्चों, जहाँ शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो जहाँ पर बायर और सेलर, खरीदने वाला बेचने वाला, एक दूसरे से मिलते हैं और बिजनेस से, मार्केट से रिलेटेड सारी एक्टिविटी करते हैं उसे मार्केट बोलते हैं। जो खरीदने वाला आया वो कस्टमर, उसकी कुछ इच्छाएं हैं और जो उसकी इच्छा को पूरा कर देता है वो सेलर कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आज मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो लिख रहा है कि ट्रेडिशनली मार्केटिंग वाज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब उनका बताना है कि मार्केटिंग एक ऐसा टर्म है, मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें गुड्स आदान प्रदान होते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बनाने वाले से उपभोग करने वाले तक, यानी जो मेन फैक्ट्री वाला ओनर है वो सामान बनाता है और मेन उपभोग करने वाले कंज्यूमर होते हैं, उनके बीच की जो प्रक्रिया होती है, जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग। दिस इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, अच्छा इसमें जो मार्केटिंग वर्ड है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें प्रोडक्ट मस्ट है, इसमें सर्विस इन्वॉल्व नहीं होता है। आगे बोल रहा है कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, मार्केटिंग पूरा अनुमानित है, माना हुआ है दैट विद विद
is produce is bound to sold. बोल रहा है कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग वेदर इज प्रोड्यूस इज बाउंड टू बी सोल्ड, मतलब मार्केटिंग में पूरा का पूरा अजम्पशन बेस्ड होता है और ये मान के चलना होता है कि हम प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाउंड होते हैं। आगे लिख रहा है यहाँ पर कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, जो हमारे बिजनेस का मेन उद्देश्य होता है, वाज टू सेल देयर प्रोडक्ट टू अर्न प्रॉफिट, उसको बेच के प्रॉफिट कमाना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लेज ए लेस इंपॉर्टेंट रोल हियर, यहाँ पर अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मार्केट में जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ पर उतना प्ले रोल नहीं करता है। कस्टमर इस पॉइंट से मार्केट में जाते हैं कि उनकी अपने नीड्स इसको पूरा करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, बट रियल में जो सेलर होता है, जो एंटरप्राइजेज होते हैं, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि हमें प्रोडक्ट को बेचना और प्रॉफिट कमाने हैं। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से मार्केटिंग के बारे में डेफिनेशन दिया है। एक बोल रहे हैं प्रोफेसर पहले ने बोल रहे हैं कि मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा काम जिसमें खरीदने और बेचने से संबंधित काम होगा वो हमारे लिए मार्केटिंग कहलाएगा। इस तरह आप अलग अलग ढंग से दिए हुए हैं, तो बच्चों जब भी आप इस पर्टिकुलर चीज़ को नोट्स बनाएंगे और आप जब इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एक पहले नॉर्मल डेफिनेशन लिखना होगा, प्लस उसके बाद कुछ एक ऐसे बंदे का डेफिनेशन लिखना होगा। जैसे क्लार्क एंड क्लार्क ने क्या बोला कि मार्केटिंग कॉन्सिस्ट ऑफ दोज एफर्ट्स विच इफेक्ट ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच प्रोवाइड फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उनका कहना है क्लार्क एंड क्लार्क का कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होता है जिसमें किसी भी गुड्स को जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, उस गुड्स की ओनरशिप उनको ट्रांसफर की जाती है या सर्विसेज उनको ट्रांसफर किया जाता है, उस सर्विस की ओनरशिप उनको ट्रांसफर की जाती है, प्लस साथ में वो जो प्रोडक्ट होते हैं उनको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि एक जगह से जब दूसरे जगह प्रोडक्ट को भेजा जाता है तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए उनके बीच में कुछ चैन रूल चलते हैं, जैसे उसमें होलसेलर रिटेलर सीएनएफ के जैसे कुछ वर्डिंग जुड़ा होता है। जैसे मान लो कि फैक्ट्री वाले नया सामान बनाया फिर सीएनएफ वाले को बेचेगा, एजेंसी वाले को बेचेगा, एजेंसी होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, तो इस तरह से एक सर्किल चलता है, एक चैन रूल बने हुए हैं, वही क्लार्क एंड क्लार्क कह रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक मेन चार बातें हमने सीखा। क्या सीखा? मार्केट सीखा, कस्टमर सीखा, सेलर सीखा और मार्केटिंग। थोड़ा सा देखना चाहते टूल किट है, यहां पर आप रफ में एक बार देख सकते हैं क्या बोल रहा है टूल किट में एट ग्लांस। मार्केट क्या है? प्लेस वेयर बायर सेलर मिलेंगे, कस्टमर सीकर ऑफ सेटिस्फेक्शन जिसको संतुष्टि चाहिए, सेलर कौन है जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज दैट प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विस आर क्रिएटेड ऑफर्ड एंड बाय डूइंग ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली द नीड्स आर सेटिस्फाइड। बोला मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह प्रदान करते हैं, ऑफर्ड करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, उनकी वैल्यू उनको दिलाते हैं, बाय डूइंग ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली और लेन देन ईजिली होता है, स्वतंत्र होते हैं, कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, द नीड्स आर सेटिस्फाइड, जिससे लोगों की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। तो ये आपका एक पूरा मार्केटिंग का डेफिनेशन है जिसमें एक अपने प्लेन डेफिनेशन लिखेंगे प्लस कुछ पर्टिकुलर लोगों का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर और कुछ अलग अलग ढंग की बातें लिखी हुई हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोल रहा है कि मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस, मतलब जो विपणन है, जो मार्केटिंग है, जो लोग बड़ी शौक से कहते हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, मतलब जो एक्टिविटी वो करने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वो व्यवसाय से रिलेटेड है, दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स जिसमें गुड्स का आदान प्रदान होता है, एंड सर्विसेज यानी सर्विसेज भी एक दूसरे को दी जाती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर, मतलब जो कंज्यूमर है या उसको यूजर बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला टॉपिक था जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर्स है, जिसमें हमने मार्केट के बारे में, कस्टमर के बारे में, सेलर के बारे में और हमने फिर मार्केटिंग के डेफिनेशन और कुछ पर्टिकुलर लोगों का डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है। तो ये वाले वीडियो की रिकॉर्डिंग हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक की हमने रिकॉर्डिंग जस्ट स्टार्ट करेंगे। और मेरा एक चैनल रे कॉमर्स क्लासेस है, जो भी बच्चे अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे और वो बेल जो बटन उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी नई वीडियो आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग यहीं खत्म करते हैं और इसकी अगली टॉपिक नेक्स्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट।